सांसद किशन कपूर ने कहा कि पठानकोट मंडी फोरलेन के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है तथा प्रारंभिक तौर पर 196 करोड़ 48 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। पठानकोट मंडी फोरलेन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहले चरण में पंजाब बॉर्डर से सियोली तक, सियोली से परोर, परोर से चौंतड़ा, चौंतड़ा से पधर और पधर से मंडी शामिल है। सांसद किशन कपूर की माने तो भूमि अधिग्रहण और लोगों को उचित समय पर मुआवजा भी दिया जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर लोगों को समस्या न झेलनी पड़े। सांसद किशन कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हिमाचल ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत प्रदेश में 1104 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास को नई गति प्रदान की है। कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनमानस को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी से विकट आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा और सीधे तौर पर जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद सुनिश्चित की गई है। सांसद किशन कपूर ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से किसानों, पशुपालकों, रेहड़ी फड़ी वालों, गरीबों, कामगारों, प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंची है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन की सुविधा भी दी गई है। पठानकोट मंडी फोरलेन, जिसका विपक्ष बहुत मुद्दा बना रहा था और कई किस्म की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, आज उन भ्रांतियों पर पूरा विराम लग गया है। ये स्वीकृत सैंक्शन लेटर है और 5 पैकेज इसके लिए बनाए गए हैं। पंजाब बॉर्डर टू सियोनी पहला पैकेज है, दूसरा है सियोनी टू परोर, तीसरा है परोर टू चौंतड़ा, चौथा है चौंतड़ा टू पद्दर और पांचवा है पद्दर टू मंडी। इसके लिए फंड्स भी रिलीज हो गए हैं। जो जमीन अधिग्रह होगी उसका दिवाली के बाद अवार्ड कर दिया जाएगा, लोगों को उसका अवार्ड मिल जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। जो एक किस्म की लोगों के मन में एक भ्रम था वो भ्रम अब खत्म हो गया है और फोर लेन का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। जमीन जो है वो एक्वायर होनी शुरू हो जाएगी और जमीन का जो कंपनसेशन है वो भी दिवाली के बाद पहले फेस में नूरपुर से ज्वाली तक जो था 62 हेक्टर का, उसका अवार्ड भी शुरू हो जाएगा।